जैन दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कि एसी लाइन को डीसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसमें क्या लगाया जाता है। जैसे हम 12 वोल्ट की एक बैटरी लेते हैं, उसको कैसे चार्ज करेंगे, उसको किस तरह से चार्जर को बनाएंगे कि वो जो है डीसी में होकर के बैटरी को हमको चार्ज कर देगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक, जैसे इस पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 606 का जो है हम ट्रांसफार्मर लिए हुए हैं। इस जगह पर आप 12012 का भी ले सकते हैं, 18018 का भी ले सकते हैं। और इसमें जो डायोड है ये 54508 का लेंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। 54508 का डायोड, ये चार डायोड भी लेंगे 54508 का, और एक ये लेंगे फिल्टर कैपेसिटर लेंगे जो 450 वोल्ट का और 47 mW का। इसमें जो है ये कैपेसिटर को हमको देख करके लगाना है कि कितना का लगाना है। जैसे हम अगर ये 606 के लिए, यानी कि 6 वोल्ट का है, ये 6 वोल्ट आउट करेगा, तो हमको इसे दोगुना का लगाना है कैपेसिटर। ये जो है कैपेसिटर ट्रांसफार्मर के अनुसार दोगुना कैपेसिटर लगाना है। जैसे कि 6 का है तो 6 × 12 यानी कि मैंने दोगुना लगाना है, दोगुना से दी। जैसे मान लीजिए 18 × 18 का है तो 18 × 36 होता है, तो 36 का आपको कैपेसिटर नहीं मिलेगा, 35 का मिलेगा। तो 36 को ऊपर लगाएंगे, यानी कि दोगुना से अधिक हो जाए लेकिन कम नहीं हो। जैसे मान लीजिए 12 × 12 का है तो 12 वोल्ट देगा, तो 12 दूनी के हमको अधिक लगाना है। जैसे 12 × 24 तो 24 का नहीं आता, 25 का आता, तो 25 का कैपेसिटर लगाएंगे, 25 mW का। तो उस तरह से इसको दुगना लगाएंगे, दुगना से अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम कैपेसिटर को लगाएंगे और आपको 12 × 12 बनाइए या 18 × 18 से बनाइए, 100 × 600 बनाइए, कोई से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे देखिए इसमें है, ये डायोड में जो है यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा, ये जो इधर है ये प्लस है, ये जो है सिल्वर कलर का एक कलर किया हुआ है थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पट्टी में, व्हाइट व्हाइट कलर का। इधर ये माइनस होता है, इधर ब्लैक होता है, उधर प्लस होता है। इधर यानी कि प्लस ब्लैक है प्लस, और इधर माइनस। तो हमको क्या करना है कि दो दो को इसको पेयर बना देना है। जैसे ये दो माइनस माइनस इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे, और ये दो प्लस प्लस इस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए आइए इसको ज्वाइंट करते हैं। सबसे पहले इसको ब्रिज रेक्टिफायर बोला जाता है, इसको जब हम बनाएंगे कंप्लीट तैयार करेंगे तो ब्रिज रेक्टिफायर हो जाएगा। चलिए इसको बना करके आपको दिखाते हैं। तो ये हम इसको सिल्वर सिल्वर दोनों जो सिल्वर सिल्वर है एक साइड में ज्वाइंट कर दिए, और ये ब्लैक ब्लैक को एक साइड में कनेक्ट कर दिए। अब ये दोनों को जो है इस तरह से कनेक्ट करेंगे, इस तरह से। जैसे देखिए हम ज्वाइंट कर दिए अब इसको, ये जो है रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर बन करके ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो है हमको एक फिल्टर कंडेंसर लगाना है, ये फिल्टर कंडेंसर। अब फिल्टर कंडेंसर लगाएंगे किधर, और इसमें अब एसी किधर आएगा और डीसी किधर जाएगा। तो इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका आप देखिए, जहां पर जोन डायोड में जिधर सिल्वर सिल्वर होगा ये और ये, यानी कि ये माइनस हो गया, तो यहां पर डीसी निकलेगा, और जिस तरफ ये ब्लैक ब्लैक मिलेगा ये दोनों डीसी का हो जाएगा। ये दोनों ऐसे डीसी को जाएगा, जहाँ पर उंगली हम पकड़े हुए हैं ये दोनों डीसी को जाएगा। इधर माइनस 16 हो गया, इधर प्लस। तो यहाँ पर हम एक फिल्टर ऐसे इस तरह से लगा देंगे। ये जो है कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये सिल्वर और ये सिल्वर माइनस हो गया डीसी का, और ये दोनों जो प्लस प्लस है ये एसी का। अब यहाँ पर जो है हम एक फिल्टर लगाएंगे, तो जो फिल्टर में जो है ये जो दाग होता है ये दूसरे कलर का, ये माइनस होता है और ये लेग प्लस होता है। ऐसे देखिएगा छोटा जो छोटा लेग होता है वो माइनस, छोटा लेग माइनस और बड़ा वाला प्लस। तो इसको इस तरह से कर लेंगे और इस पर लगा लेंगे, इस तरह से करके इस तरह से जो है कर लेंगे माइनस और प्लस की तरफ। अब इस पर हम इधर एसी लाइन देंगे। एसी लाइन देने के लिए जो है ये ट्रांसफार्मर का मेन लीड होता है, इसमें जो दो तार निकला हुआ है वो इसमें इन करेगा और इसमें आउट करेगा। तो इसमें से तीन तार में से किसी दो तार को पकड़ना है, जैसे एक ग्रीन को छोड़ देंगे और एक येलो और एक ग्रीन को इसमें जोड़ देंगे। तो इसमें जो फिल्टर लगाया है उस पर नहीं, जो फिल्टर जिस पर नहीं लगा हुआ, जैसे यहाँ पर एक प्लस एक माइनस वाले डायोड वाले पॉइंट पर एक दे देंगे पॉइंट, और एक इधर माइनस और प्लस वाले डायोड पर, तो इसको यहाँ पर लाइन दे देंगे इस तरह से। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लाइन दिए हुए हैं, जो एसी हो गया और ये डीसी हो जाएगा। तो इसको लाइन दे दिए और हम डीसी लाइन अब निकाल रहे हैं। इसको सबसे पहले सोल्डिंग थोड़ा कर लेते हैं। ये जो है
इसमें फिल्टर लगा दिए हैं, ट्रांसफार्मर भी लगा दिए हैं, और जहाँ पर ये फिल्टर लगाए हुए हैं जो इस पोल पे और इस पोल पे, यहाँ से हम डीसी को निकाल देंगे, जैसे माइनस वाले पे माइनस से निकालेंगे, यानी कि ब्लैक तार दे दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर, और ये प्लस वाले पे रेड कलर के तार। ये हम दे दिए, इस तरह से। अब ये जो है कि इसमें फिल्टर ये क्यों हम लगाएं, ये जो फिल्टर है ये क्यों लगाएं, जैसे डायोड ब्रिज रेक्टिफायर बनता है तो हल्का फुल्का जो है से एक लाइन जो है से पूरी तरह से डीसी नहीं करने पाया, तो उसमें जो है बच्चा कुछ जो रहता है उसको इस जो फिल्टर लगाने के बाद पूरा फिल्टर करके डीसी कर देता है। तो इस तरह से हम जो है ब्रिज रेक्टिफायर बना करके डीसी बना सकते हैं लाइन को, अगर आप चाहें तो। अब इसमें आप एक रेजिस्टेंस लगा करके जिस जैसे ये लगा हुआ है डायोड, उसी तरह से यहाँ तक इस तरह से यहाँ पर इसे लगा करके, और आप एक बल्ब लगा दीजिएगा तो आपको इंडिकेट करेगा कि लाइट हमारे इसमें आ रहा है। खैर ऐसे भी पता चल जाएगा, इसे जब इसको शॉर्ट करेंगे तो हल्का हल्का इसमें थोड़ा मतलब चिंगारी टाइप का आपको फेंकेगा, स्पार्क करेगा। तो अब आइए, अब इसमें हम लाइन देते हैं। तो लाइन देने के लिए जो है हम ये एक ऐसा कोड का हम प्रयोग करेंगे, और इसमें इसमें हम लाइन दे देंगे डायरेक्ट, और आपको हम चेक करके दिखाते हैं। पर ये जो है हमारा, जैसे हम इसका जो है बैटरी चार्ज करने के लिए, हमको अभी चार्ज नहीं करना, पर हम आपको मतलब हम बताने के लिए इसका प्रयोग किए हैं। और चलिए अब इसको हम लाइन लगा कर देखते हैं। ये देखिए लाइन लगा दी है इसमें, और इसमें हम ये करेंगे तो इस तरह से आ रहा है करंट। तो अभी मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाएंगे किसमें कितना करंट आ रहा है मल्टीमीटर के सहायता से। पहले एसी पर हम लगा दे रहे हैं लाइन को, एसी पर इसको हम लगाएंगे यहाँ पे 750 वोल्ट पे, और हम इसको लाइन को चेक करते हैं। और इसको इधर एक साइड रख दिए, यहाँ पर देखिए 282-283 दिखा रहा है। और अब जो है हम इसमें लाइन चेक करेंगे इसमें कि कितना आ रहा है, यानी कि इस पे डीसी हमारा कितना बना रहा है। इसके लिए जो है हम ये मल्टीमीटर को यहाँ 20% पर सेट करेंगे, इसलिए कि यहाँ 606 का है, यानी कि 20 से कम ही वोल्ट निकालेगा, 6 वोल्ट के आसपास ये करंट को निकालेगा। तो यहाँ पर हम इसको ये रख दिए, और इधर ये इसको आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा, और इस पे हम यहाँ इस पे टेस्ट करके आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें लाइन दे लेते हैं, और इस पर देखिए यहाँ कितना दिखा रहा है, देखिए -15, यानी कि हम प्रॉप को उल्टा पकड़े हुए हैं, इसे सीधा कर लेंगे इसको, देखिए 15 वोल्ट निकाल रहा है, ये कितना निकल रहा है 15 वोल्ट। तो इस तरह से जो है कि हम डीसी को बना सकते हैं करंट को बैटरी चार्जर के लिए। अब जो है इसमें यदि ये इस तार को हम ये प्रयोग करें तो ये कैसे प्रयोग करेंगे इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन आपको इसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक, अगले बार आपको इसके बारे में बताएंगे कि तीनों तार का प्रयोग कहां पर होगा, इस तीनों का, जैसे 909 या 606 में प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग कहां पर करेंगे, और ये कैसा इसका प्रयोग होगा इसकी भी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। जय हिंद।